टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो का फॉर्मेशन स्काई में कैसा होता है, कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम सब ने रेनबो को देखा हुआ है, जब भी बारिश होती है हल्की बारिश होकर के बंद हो जाती है, धूप निकलता है दिन में तो हमें रेनबो दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब बारिश होती है, रुक गई बारिश, उसके बाद से कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड रह जाते हैं, ऐसे हैंगिंग अराउंड द हैंगिंग इन द स्काई। तो वो रेन ड्रॉप्स रह गए स्काई में। अब सन निकला, सन से जो सन रेज हैं वो उस रेनबो में जाती, सॉरी रेनबो करा, उस वाटर ड्रॉपलेट में एंटर करती हैं। वाटर ड्रॉप में जब एंटर करती हैं तो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ, वहां पे जैसे ही लाइट एंटर करती है रेन ड्रॉप में, तो रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट अपने पास से डेविएट करती है। अब एक व्हाइट लाइट जब डेविएट करेगी वाटर ड्रॉप में, तो उसमें सेवन कलर होते हैं। हमने डिस्पर्सन में जाना कि व्हाइट लाइट सेवन कलर का बना हुआ है, तो जब लाइट उसमें एंटर की रेन ड्रॉप में, तो वहां उसका क्या हो गया, डिस्पर्सन हो गया और उस सेवन कलर कंपोनेंट में टूट जाता है। और फिर जो प्रोसेस होता है इसमें, अगला जो स्टेप होता है इसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो बेसिकली रेनबो के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या जरूरी था, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन। तो रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्सन हुआ और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ये तीन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अब एक रेन ड्रॉप में वो तीनों स्टेप्स कैसे काम करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो स्टेप्स क्या क्या आपके हैं, स्टेप्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या स्टेप जरूरी है। तो एक हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन होना जरूरी है, दूसरा डिस्पर्शन और तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं रेनबो के फॉर्मेशन। अब यहां देखिए कैसे बनता है रेनबो का फॉर्मेशन, कैसे होता है, ये हमने क्या लिया, वाटर ड्रॉप, रेन ड्रॉप दे दिया। ठीक, ये हमने कह दिया हमारे पास है रेन ड्रॉप, वाटर का ड्रॉप है जो एयर में सस्पेंडेड है। यहां पे सन की रेज एंटर कर रहे हैं, देखिए सन की रेज ढेर सारी एंटर करेंगे लेकिन सभी रेनबो के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, वही रेज इन्वॉल्व होगी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें शो कर सके। तो ढेर सारी आएंगे, हम एक रेज को दिखा रहे हैं कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक रेज एंटर की। ठीक, ये इस रेन ड्रॉप स्फेरिकल होता होगा, उसका एक सेंटर हो गया, यहां से नॉर्मली देखिए पहला सरफेस यहां एयर है, इधर क्या है आपका एयर है, एयर से रेन ड्रॉप में जा रहा है, रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड होगी। ये हमारे पास नॉर्मल हो गया इसका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने क्या दिया आई वन। ओके, तो लाइट रेज नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, यानी अपने पाथ से जो इसको इधर जाना चाहिए था वो क्या हो गया, डेविएट होकर के इधर की तरफ आ गई। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर वन। अब देखिए यहीं पे जैसे ही ये लाइट, ये पॉइंट हमने ए ले लिया, ठीक, ये सेंटर हो गया ओ, तो लाइट देखिए लाइट रेज हमने मान लिया ए बी लाइट रेज, जैसे ही एंटर कर रहे पॉइंट बी पे, तो यहां पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हुआ और साथ के साथ क्या हो रहा है, डिस्पर्सन होगा। तो जैसे ही डिस्पर्सन होगा लाइट रेज क्या होगी, अपने सेवन कलर में टूट चुकी होगी। अब टूटने के बाद से हमें जब वापस लौट के आएगी तभी हमें दिखाई देगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज को हम देख पाते हैं। अब यहां पे इस वाले पॉइंट सी पे क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये एंगल देखिए, यहां एक और नॉर्मल हम देते हैं तो ये एंगल आपका जो हुआ आई टू मान लेते हैं ग्रेटर देन क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से आपका ये एंगल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और ज्यादा होते ही इसका हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये लाइट क्या हो गई, वापस आ गई आपके पास इधर की तरफ। फिर इस पॉइंट डी पे जैसे ही पहुंच रही है, डी पे पहुंचते ही क्या होगा, लाइट रेज का फिर से रिफ्रैक्शन होगा, इस बार कहां होगा, डेंसर से रेरर की तरफ। देखिए यहां भी डेंसर से रेरर होना था लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, वापस आ गई डी पे,
फिर हमने क्या किया, एक नॉर्मल लिया यहां पे, ओके ये एंगल आपको कुछ मिला आई थ्री मान लेते हैं, ये लाइट रेज फिर से क्या होगा नॉर्मल से इस बार दूर भागेगा, तो ये सीधे जाना चाहिए था इसको इधर की तरफ, लेकिन ये बेंड होकर के आपको आ गया इस तरफ, ठीक। और यहां पे ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, आप यहां पे खड़े होकर के देख सकते हैं रेनबो के फॉर्मेशन को। तो ये जो टूट रहा है स्ट्रिप, यही आपको क्या होगा रेनबो का फॉर्मेशन, रेनबो दिखाएगा। तो ऐसे बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड होते हैं, सब में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और वापस हमारे पास आके दिखाई दे जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। अब क्या क्या हो रहा है इसमें देखिए, पॉइंट ए पे क्या हुआ, पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्रेक्शन हो रहा है एंड डिस्पर्शन, दोनों ही चीजें हो गई, लाइट टूट गया। पॉइंट सी पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और पॉइंट डी पे हुआ आपका अगेन रिफ्रेक्शन। तो ठीक है, रिफ्रेक्शन डिस्पर्शन टी आई आर एंड अगेन रिफ्रेक्शन, और यहां पे हमें रेनबो दिखाई। तो ऑब्जर्वर इधर खड़ा होगा, सनरेज इधर की तरफ होगी, और ये आपका उसके अपोजिट में रेन ड्रॉप है, लाइट आ रही है, रिफ्रेक्शन हुआ, डिस्पर्शन हुआ, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, अगेन रिफ्रेक्शन, और यहाँ पे इमर्जेंट रे हो गई आपको मिल गई, और यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये देखिए जो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है वो, उसमें दो तरीके का रेनबो होता है, पहला होता है प्राइमरी रेनबो और दूसरा होता है सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो क्या होता है, प्राइमरी रेनबो में जो कलर का कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा होता है, और ये हो गया आपका सेकेंडरी रेनबो। देखिए अगर ये रेनबो आपको ऐसे मिल रहा है, ठीक, जस्ट इसके पीछे ही यहां पे एक सेकेंडरी रेनबो भी बनता है, इसका जो कलर होगा देखिए यहां से भी से होगा वी आई बी जी वाई ओ आर, ये हुआ, और इसका जो कॉम्बिनेशन होगा फिर ये क्या हो जाएगा आर से ओ वाई जी बी आई जी, ये कॉम्बिनेशन होगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जस्ट ये रिवर्स ऑर्डर, यहां से देखिए ये चीज, ये प्राइमरी रेनबो हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। तो यहां पे इस तरीके से जो फॉर्मेशन होता है, ये प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, वो क्या बनाएगा आपका प्राइमरी रेनबो बनाएगा, ये बनाएगा क्या प्राइमरी रेनबो। लेकिन सेकेंडरी रेनबो कब बनता है, प्राइमरी रेनबो का आप देखिए तो मिरर इमेज बन रहा है, जस्ट पीछे उल्टा हो गया, विद्युत से स्टार्ट हो रहा है, ये ऊपर उसका वॉलेट है, इसका नीचे वॉलेट है, इसका रेड पे खत्म हो रहा है, इसका रेड से स्टार्ट होकर एंड हो रहा है। तो जिसका नीचे की तरफ वॉलेट है वो आपका प्राइमरी रेनबो है, देख करके पहचानने का तरीका, अंदर की तरफ वॉलेट होगा, बाहर की तरफ रेड हो गया। लेकिन अगर बाहर की तरफ वॉलेट मिल रहा है तो आप समझ जाएंगे वो सेकेंडरी रेनबो है, और सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंडरी रेनबो के फॉर्मेशन की बात जब हम करेंगे तो उसमें दो कंडीशन होती है, एक कि वहां पे क्या होना चाहिए, पहला चीज कि दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, यहां एक बार हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दो बार क्या होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम यहां लिख रहे हैं फॉर सेकेंडरी रेनबो द टी आई आर शुड बी ट्वाइस इन अ ड्रॉप, इन अ रेन ड्रॉप। तो एक रेन ड्रॉप में दो बार अगर हो रहा है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो ही क्या बनेगा आपका सेकेंडरी रेनबो बनेगा। अब वो कैसे होगा टी आई आर दो बार, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये है यहां से एक रेज आप भेज रहे हैं, ओके यहां से मैं जैसे ही भेजा तो ये अगर ऐसे हल्का सा डेविएट होकर के यहां आया, यहां पे क्या हो गया टी आई आर, ये ए बी सी, देखिए अगर ये वापस ऐसे आ गया, ठीक,
ठीक है, फिर यहां पे, और फिर यहां से भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है अगर, ठीक, और फिर ये आपका हो गया, इसको थोड़ा सा कर देते हैं, ए बी सी डी। तो इसमें देखिए सी और डी दो जगह आपका क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट टी आई आर शो कर रहा है और ये पॉइंट भी टी आई आर शो कर रहा है। तो अगर दो बार प्रोसेस में क्या करें, दो बार अगर टी आई आर हो गया तो सेकेंडरी रेनबो बनेगा, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या हो गया, प्राइमरी रेनबो बनेगा। आप स्काई में देख के पहचान लेंगे कैसे, अगर अंदर की तरफ नीचे वॉयलेट से स्टार्ट हो रहा है तो प्राइमरी होगा, और अगर खत्म वॉयलेट में हुआ तो वो सेकेंडरी हो गया, और सेकेंडरी रेनबो प्राइमरी के जस्ट पीछे ही होता है, लगता है मिरर इमेज उसका बन रहा है और ये फेंटेड होता है, जितना डार्क ये होगा उतना डार्क सेकेंडरी रेनबो कभी नहीं होगा, उससे थोड़ा सा फेंटेड होगा। तो ये आप रेनबो के प्रोसेस को समझिए। यहां पे देखिए ये डेविएशन भी होता है लाइट का, एक्चुअल डेविएशन अगर आपको निकालने कहा जाए तो ये आपका क्या हो गया एक्चुअल रेज, और ये आपका जाएगा इमरजेंट रेज को एक्सटेंड करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं डेल्टा मिल जाएगा जो बताएगा कि कितने का वो हो रहा है आपका डेविएशन। तो ये आप एंगल ले, ये ऐसे घूम करके यहां का है तो डेविएशन भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दैट्स ऑल, थैंक यू।